दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन किस शहर में, किस सिटी में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। ठीक है, आपको बता दें कि जनवरी 2019 में मुंबई में ये दो दिवसीय वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो जनवरी 2019 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन किस सिटी में आयोजित किया जाएगा, मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 किसने जीती है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 जीती दोस्तों समीर वर्मा। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट है, समीर वर्मा ने। ठीक है, देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी है समीर वर्मा ने, इन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करिए। टारगेट लाइक से 13,000 लाइक से काफ़ी टाइम लगाते हैं आप लाइक करने में, तो फटाफट वीडियो जल्दी से लाइक कर दोस्तों ताकि हमें भी एनर्जी मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी तेजस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच संचालित की जाएगी। दोस्तों ये की जाएगी चेन्नई और मदुरई के बीच। ठीक है, दूसरी तेजस सुपरफास्ट ट्रेन किन दो शहरों के बीच संचालित की जाएगी, चेन्नई और मदुरई के बीच। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फोर्थ है दोस्तों, कौन सा देश अनाथालय तस्करी को दास प्रथा के रूप में पहचानने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये बन गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अनाथालय तस्करी को दास प्रथा के रूप में पहचानने वाला दुनिया का पहला देश, ठीक है, फर्स्ट कंट्री बन गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। अनाथालय तस्करी को दास प्रथा के रूप में पहचानने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया आगामी एग्जाम से जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है, 13वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। किया गया दोस्तों अर्जेंटीना में। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 दिसंबर 2018 को अर्जेंटीना में 13वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, अर्जेंटीना में। ठीक है, 13वां G20 शिखर सम्मेलन, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिखर सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। किस फिल्म ने 28 नवंबर 2018 को भारत के 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है डॉन बॉस ने। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, भारत का 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है, डॉन बॉस ने। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेवन था दोस्तों, किस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो किया गया दोस्तों अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, देखिए अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ब्लू क्रॉस से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ठीक किया जाएगा दोस्तों हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में, ऑप्शन डी। देखिए आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये 7 से 23 दिसंबर 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, हरियाणा स्टेट में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो है हिमाचल प्रदेश का अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राज्य है, पहला भारतीय आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन टेंथ है दोस्तों, कौन से मंत्रालय ने स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भाषा संगम नाम की पहल शुरू की है। क्योंकि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भाषा संगम नामक एक पहल की शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गए हैं दोस्तों सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी ये बन गए हैं, रामनाथ कोविंद जी ने इनको भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2018 को नागेश्वर राव गुंटूर को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नागेश्वर राव गुंटूर को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और भारत सरकार ने अखिलेश रंजन को नए प्रत्यक्ष कर कानून कार्यबल का संयोजक नियुक्त किया गया। यहाँ पर मैं आपको रिविजन करा देता हूँ कि भारत के नए प्रत्यक्ष कर कानून कार्यबल का संयोजक किसे नियुक्त किया गया है, अखिलेश रंजन को, जबकि नागेश्वर राव गुंटूर को ऊर्जा नियामक बोर्ड का और सुनील अरोड़ा को भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अरविंद सक्सेना जी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नियुक्त किया है अरविंद सक्सेना को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया 2019 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चलेगा दोस्तों 3 से 14 दिसंबर तक, 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया।
ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की वायुसेनाओं के मध्य होगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 15 दोस्तों, किस संगठन ने चिल्ड्रेन HIV एड्स द वर्ल्ड इन 2030 2030 रिपोर्ट जारी की है? तो ये किया दोस्तों यूनिसेफ ने, ठीक है, यूनिसेफ याद रखिएगा, यूनिसेफ द्वारा 29 नवंबर 2018 को चिल्ड्रेन HIV एंड एड्स द वर्ल्ड इन 2030 नामक रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है, यूनिसेफ द्वारा। RBI ने पोस्ट और पूर्व शिपमेंट निर्यात क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी को बढ़ाकर 3% से कितना कर दिया? ये कर दिया दोस्तों 5%, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली भारत इंडोनेशिया बिजनेस फोरम किस शहर में आयोजित की गई थी? पहली भारत इंडोनेशिया बिजनेस फोरम यह आयोजित की गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। ये 29 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारत इंडोनेशिया बिजनेस फोरम आयोजित की गई थी, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन 18 दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न के दर्जे सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, ठीक है, इसको मिनी रत्न के दर्जे सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य दास प्रथा के समकालीन रूपों को जो है खत्म करना, ठीक है। पहली बार ये 1986 में मनाया गया था, ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का आंसर, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, 3 से 14 दिसंबर 2018 तक संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया 2019 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देख लेते दोस्तों आज का सवाल क्या है, 29 और 30 नवंबर को देश का पहला उल्लू उत्सव भारतीय उल्लू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखे, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे दोस्तों अपना। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता हूं कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ, और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो, ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी GK करंट अफेयर सामान्य ज्ञान ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।